प्रदीप शर्मा, भूटपुर गांव से हैं हम। हाँ प्रदीप जी, ये आग लगी हुई है, पर्यावरण को नुकसान है, इससे सामने कबाड़ा ही पड़ा है, कैसे आग लगती है, कौन इस आग को लगाता है? ये पन्नियाँ सारी गोदामों से आती है, जो पन्नी के गोडाउन हैं, और ये पन्नी को यहाँ रात को फेंक जाते हैं और आग भी लगा जाते हैं, जिससे काफ़ी हमारे बच्चों को प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, और ये गंभीर मामला है जिस पर अभी तक कोई हमें रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, और ये अनावृत जारी है अभी तक। ये पन्नियाँ फिर भी डलती हैं, फिर इनमें आग लगा दी जाती है, अभी देख रहे हैं आप, जला हुआ है सब कुछ, और फिर ये आज रात को या कल फिर पन्नी डाल दी जाएंगी और जला दिया जाएगा। अभी बुराड़ी की तरफ से भी आए, ये बुराड़ी की तरफ से जैसे आते हैं, और इधर भूटपुर पे जो नेशनल हाईवे पे यहाँ हम ये लिंक होता है, तो इससे लेकर और इस बीच के दायरे में रोज़ पन्नियाँ फेंकी जाती हैं, और कभी यहाँ जला दिया, कभी 500 मीटर की दूरी पे जला दिया, इस तरह कई इन्होंने अपने पॉइंट्स बना रखे हैं और वहाँ डाल देते हैं रात को अंधेरे में और जलाते हैं। तो इस पर किस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर प्रशासन कार्रवाई करे, आप मांग करते हैं, तो किस पर कार्रवाई होनी चाहिए इन चीज़ों की? इस पर कार्रवाई अब ये देखो NGT करे या CPCB करे, जो भी करे, लेकिन इसमें रिजल्ट्स मिले। भूटपुर की जनता बहुत परेशान है, जैसे ही पूर्वा हवा चलती है तो सारा धुआं उधर ही जाता है। फैक्ट्री मालिक, गोदाम मालिक, फैक्ट्री मालिक, गोदाम वगैरह, ये सब अपना पन्नी यहाँ डालवा देते हैं फ्री में, बराबर में टेम्पू वालों से कह देते हैं कि जी यहाँ डाल दो, और टेम्पू वालों को दो पैसे चाहिए और वो यहाँ डाल जाते हैं। तो कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ पन्नियाँ ना डाले ना जलाया जाए। गोदाम मालिकों पर होनी चाहिए कार्रवाई। हाँ, गोदाम मालिकों पर इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पन्नी यहाँ फेंकी जाए। नाम बताइए। मेरा नाम नगेंद्र प्रजापति है, मैं गांव बुढ़पुर से निवासी हूँ। तो नगेंद्र जी, यहाँ पर कूड़ा डला हुआ, आग भी लगे, पेड़ भी जले हुए हैं, क्या वजह है यहाँ पर कूड़े में आग लगाने की, कौन लोग आग लगाते हैं, किस प्रकार का कूड़ा होता है ये? यहाँ पे जितने भी फैक्ट्रियाँ गोदाम बने हुए अवैध रूप से, वे रात के समय आके यहाँ पे पन्नियाँ डाल देते हैं और उनमें आग लगा देते हैं। पूरी रात गाँव वाले है ना धुएँ की उसमें सोते हैं, और सुबह उठते हैं ना तो काला आसमान हुआ पाता है, और आग तो रोज ही लगा रहे हैं अभी, और हमने इस पर मुहिम भी चलाई, हमने वीडियो विजुअल भी भेजे थे कई बार, बना बना के कंप्लेंट भी की है, पर प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। जितना प्रदूषण शायद हमारे एरिए में इन पराली से ज़्यादा, ये जो पन्नियाँ जलाने में, यहाँ पे लैदर वगैरह जो सूज के होते हैं उनमें आग लगा दी जाती है उसके मटेरियल के अंदर, और ये वन क्षेत्र है हमारा, इसके अंदर जानवर भी रहते हैं, वे भी बीमार हो रहे हैं इससे, और सबसे ज़्यादा बुरा असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है, जो इनकी जब उसमें आगे खांसी जुकाम अभी तक उनके सही भी नहीं हो रहे हैं। तो आप लोगों ने कंप्लेंट भी क्योंकि इस चीज़ को लेकर प्रशासन से, तो क्यों ढिलाई बरती जा रही है इन चीज़ों को लेकर? हमने NGT में भी कंप्लेंट की थी, इनके विजुअल भी भेजे, आग लगाई हुए के भी भेजे है, तो वहाँ से उन्होंने अधिकारी भी भेजे कि कहाँ पे आप वो दिखाओ लोकेशन, कहाँ पे कूड़ा जलाते, हमने ये दिखाया सारा उनको, ये कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है ये हमारे में नहीं आता, और हम आगे इसकी कार्रवाई फॉरवर्ड करेंगे, पर हमें तो रिजल्ट चाहिए। अब वो एक दूसरे के ऊपर टाल देते हैं, डिपार्टमेंट MCD फ्लड के ऊपर टाल देता है, पर अभी तक पन्नियाँ ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, कंप्लेंट करे बहुत दिन हो गए ना, तो ये पन्नी उठती, कोई भी आग की तिल्ली दिखाती है फिर भबक उठती है, और नुकसान हमें उठाना पड़ता है। अभी आपने बताया कि अधिकारी एक दूसरे के ऊपर टाल मटोल कर रहे हैं, लेकिन NGT की बात माने तो ये अधिकारियों को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, हम ये तो हम सबका काम है, हम सबको जागरूक होना चाहिए, और सरकार को सोचना चाहिए कि इस पे राजनीति ना करके केवल जनता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रदूषण किसी एक पर्टिकुलर आदमी के घर नहीं जाएगा, सबके पास ही जा रहा है, और हमारे बच्चे इसी से इतने ज़्यादा बीमार हो रहे हैं कि उनकी खांसी जुकाम नज़लें ठीक नहीं हो रही हमारे एरिए के अंदर।